नवरात्र की अष्टमी को कुमारी का पूजन को अनन्य महत्व प्राप्त है। इस बात को मद्देनजर रखते पुरानी अमरावती स्थित आजाद हिंद मंडल द्वारा 501 कुमारियों का विधिवत पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह पूजन पूर्व महापौर इंगोले दंपति द्वारा बुधवार स्थित हरिभाव कलोती स्मारक में दिनांक 21 को आयोजित हुआ। प्रस्तुत है दृश्यांकन, समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। Thank you.
जा बैठ जा खाली बस बसुन जा। आजाद हिंद मंडल द्वारा आज़ाद हिंद मंडल का ये पुराने अमरावती का बड़ा ऐतिहासिक मंडल है। आज़ादी की पूर्व का ये मंडल है। काफ़ी स्वतंत्र संग्राम सैनिक इस मंडल ने देश के आज़ादी के लिए जिन्होंने समर्पण की भावना रखी, ऐसे वीर वामनराव दादा जोशी, नाना साहेब बामनगांवकर, अन्ना साहेब कलोती, हरीश भाऊ कलोती, काफ़ी लोग इस मंडल के सेवाभावी रहे हैं। आज विद्यमान अध्यक्ष वैद्य साहब है और मैं मंडल का कार्याध्यक्ष इस नाते आपको ये माहिती दे रहा हूँ कि अभी नवरात्रों का अपना गांव बोले तो अंबादेवी एकवीरा देवी का अपना कुलदैवत है, अमरावती का कुल स्वामिनी है। तो उस अवसर पर आज आज़ाद हिंद मंडल ने कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा है, उनका विधिवत पूजन यहाँ किया जाएगा और महाप्रसाद का कार्यक्रम रखा है। उनको मंडल की ओर से कुछ भेंट भी आज दी जाएगी। 500 कन्याओं का पूजन और उनको भेंट और महाप्रसाद का कार्यक्रम आज़ाद हिंद मंडल की ओर से हो रहा है। ये साक्षात कन्या बोले तो देवी का रूप है, ये शक्ति का रूप है और इनका आशीर्वाद आज लेना चाहिए। सप्तमी का दिन है नवरात्र के उत्सव में आज का, तो मैं ये बच्चियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इनका पूजन का कार्यक्रम आज शुरू होने। आज़ाद हिंद मंडळाच्या वतीने मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्री विलासराव इंगोले यांनी आज या ठिकाणी कुमारिकाचं पूजन केलं आणि कुमारिकेचं भोजन नवरात्राच्या निमित्तानं कुमारिका भोजन या ठिकाणी आयोजित केलं आहे। विलासराव इंगोलेनं त्यासाठी अतिशय मेहनत घेतली आणि सगळ्या कुमारिकेंचं पूजन या ठिकाणी होते आहे। त्यांनी सहपत्नी दोघांनी या ठिकाणी ते पूजन केलं आणि नवरात्राच्या निमित्तानं हा कसा सुवर्ण योग आज आणि मंडळानं चालू आहे।